हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। एलएनजी डील जो कि 2016 में फरवरी में साइन हुई थी, उस पर हमने काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं जिसमें हमने बताया कि उसके जो सब्सटेंस है उसमें काफ़ी इश्यूज हैं। रिसेंटली शेख रशीद साहब ने थ्रू खोसा साहब, हु इज ऑब्वियसली पीपीपी एफिलिएशन है, दे हैव फाइल्ड अ पटिशन इन द कोर्ट जिसमें उन्होंने बड़े प्रोसेस का भी जिक्र किया। हमने तो सब्सटेंस का फोकस किया था, उन्होंने प्रोसेस का भी जिक्र किया है कि प्रोसेस भी वायोलेट हुआ है। इसको हम सब डिस्कस करेंगे आज। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव डॉक्टर आबिद सुलेरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। ही विल जॉइन अस ऑन द फोन लाइन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ही इज विद अस टुडे। थोड़ा सा टाइम उन्होंने निकाला है। हमारे पास गयास पराचा साहब हैं जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं, स्टेक होल्डर हैं सीएनजी के, एंड ही विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग अस बाय फोन। और स्टूडियो में हमारे वसीम इकबाल साहब हैं जो बिजनेस रिकॉर्डर के बीट रिपोर्टर हैं। लेट मी स्टार्ट विद डॉक्टर सुलेरी। जी सुलेरी साहब, बताइएगा कि ये जो डील है इसमें कहाँ कहाँ वायलेशंस आपका ख्याल में हुई थी? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट सब्सटेंस में काफी इश्यूज थे, एम आई राइट? जी देखिए, अब तो चूंकि ये मैटर सब जूडिस बन चुका है और अनक्रीप इस पे अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर ली है तो इस पे एक जुडिशियल डिस्कशन जो है वो शुरू हो जाएगी सही। और शायद इस पे एक ट्रांसपेरेंट फिगर एंड फैक्ट दोनों तरफ से आना शुरू हो जाए। मेजर चीज जो कि उस जमाने में जिस पे बात होना शुरू हुई थी वो थी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के। डील तो होगी लेकिन जो स्टेक होल्डर ब्लॉक किया हुआ था। जी 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 जी, बट डॉक्टर साहब ये अभी तक ब्लॉक हुआ हुआ है, यू नो, हालांकि बिजनेस रिकॉर्डर हैज अ कॉपी, आई बिलीव एसटीपीआई हैज अ कॉपी, यू नो, सो कॉपीज फिर रही है ये वाली, बट इन्होंने अपने पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल की वेबसाइट पे अभी भी बहुत ब्लॉक किए हुए हैं होल चंक्स ऑफ द डील। जी मेरा ख्याल है कि वहाँ पे शायद हुकूमत एमडी जो है वो गलत है। अगर ये चीज जो है ट्रांसपेरेंट है और उसमें कोई सब्सटेंस के कोई इशू नहीं है तो इसको ओपन कर देने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। वो बल्कि जो क्रेडिबिलिटी है पीएसओ की और मुतलका जो अथॉरिटीज है उसमें इजाफा करेगा। तो जितने भी इस वक्त रूमर या कंस्पायरेसी या इस पे जो इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा, आप उसको कोई भी लफ्ज दे दें, हर स्टेक होल्डर अपनी मर्जी की टर्मिनोलॉजी उसमें यूज करेंगे तो वो है, वो इसी वजह से है कि इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट स्टेक होल्डर के पास नहीं है। और जब जो नहीं होगी तो फिर वहां पे सवाल उठते हैं और उन सवाल के जवाब जो है वो किसी भी जमहूरी मुआशरे में यहाँ पे क्या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और बाकी सब चीजें वो देना जरूरी हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि द एक्चुअल डील इज अवेलेबल, मेरे ख्याल में बिजनेस रिकॉर्डर की वेबसाइट पे भी हमने अपलोड की हुई थी, इट इज अवेलेबल टू दोज हु वांट इट। इशू ये है ना, देखिए कि जब तक हुकूमत उसको अपनी वेबसाइट पे नहीं डालती है, हाँ, देयर इज ऑलवेज आप हमें तो कोई भी आपके जो दो मौजूद मेहमान स्टूडियो में मौजूद है कोई भी कह सकता है कि जी मेरे पास डील की कॉपी, डेफिनेटिवली नहीं कह सकते, यू आर राइट। लेकिन हुकूमत जो है जब तक वो उसको तस्लीम नहीं करती कि हाँ यही कॉपी है तब तक तो आप उस पर कोई फर्दर बात नहीं कर सकते। तो अब शायद जब कोर्ट में ये मामला आ गया तो वहाँ पे कॉपी जो भी है वो आएगी, वहाँ पे इसके प्रोसेस पे बात भी होगी, इसकी सब्सटेंस पे भी बात होगी और वहाँ पे इसको देखा जाएगा कि ये कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितने फायदे में थी। इसमें सिर्फ एक चीज मैं और जो इजाफा करना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली जो पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा होना शुरू हुआ और इस वक्त $70 पर बैरल के गेज जो हम हावर अराउंड कर रहे हैं, इस वक्त अब एनालिस्ट जो है वो अब मानना शुरू हो गए हैं कि शायद जो प्राइस तय हुई थी वो इतनी बुरी भी नहीं थी, क्योंकि जो जो ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो है बाकी जो है वो उनमें इजाफा होता जाएगा। एलएनजी जो है वो एक बुरी डील भी, अगर कोटन कोट आप उसको बुरी भी कहें उस जमाने में जबकि $35-40 पर बैरल था, तो आज वो प्राइस जो है
आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, तो उसके जो लॉन्ग टर्म जो डॉक्टर साहब एक बात मैं मुझे बताएं, आपके जब हम डील करते हैं या जब ये गवर्नमेंट निगोशिएशंस होती हैं तो यू हैव टू लुक एट द मार्केट एट दैट गिवन मोमेंट इन टाइम। नाउ एट दैट टाइम अगर आपको पता हो कि 5 साल की डील की थी उसी वक्त गनवर से की थी और जिसमें जो जो प्राइस सेट हुई थी वो 12.9 हुई थी, इन्होंने 13.3 की है। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त इट वॉज अ बायर्स मार्केट सो दे कुड हैव गॉटन इवन अ बेटर डील, तो वो मेरे ख्याल में उसके पर्सपेक्टिव में आपके ख्याल में जरा सा हमारे एनालिसिस को टेंपर करना चाहिए। व्हाट वुड यू थिंक? जी बिल्कुल, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यकीनी तौर पर इसमें बेहतरी आनी चाहिए थी। इसमें जो एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है वो ये है कि आल्दो के इस वक्त शेख रशीद साहब और लतीफ खोसा साहब जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई को अगर आप देखें और स्पेशली असद उमर साहब जो कुछ जमाने में एंग्रो के साथ थे और एंग्रो टर्मिनल जो था वो दे हैवन गॉन टू द कोर्ट। यस जी, तो आप देखिएगा कि उनसे अगर आप बात करें तो वो इनफॉर्मली इस बात की वो देते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है, प्राइस को कितनी प्रॉब्लम जो है वो नहीं थी। आई विश के वो किसी दिन आपके प्रोग्राम में आए और वो उसमें इनसाइट बता सके, क्योंकि Do you think that has anything to do with the fact कि ये जो डील है जो हमने पढ़ी है, as you said it is not complete, but do you think it's possible that the deal has Engro as part of the terminal, Engro का है and he does have some kind of you know some soft corner for Engro because he worked there? इसका जवाब दीजिएगा please, let me take a short break doctor साहब and I'll come right back to you, please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, मैं जो सवाल मैंने पूछा था बिफोर द ब्रेक, इफ यू कैन जी, किसी कंस्पायरेसी थ्योरी को मैं नहीं यहाँ पे प्रमोट करना चाह रहा, लेकिन असद उमर साहब से अगर आप बात करें या किसी दिन उनको शो में बुलाएं तो आई थिंक ही वुड हैव अ बेटर इनसाइट और वो हमें थोड़ा सा ज्यादा बता सकेंगे। जब एंग्रो के हवाले से हम बात करते हैं, एंग्रो टर्मिनल, एलएनजी डील, और जिस दिन से मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे थोड़ी सी अश्योरेंस दिलाई कि इसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने फिर एलएनजी को इस डील को बहुत ज्यादा फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि आई थॉट यू हैव दैट मच फेथ इन हिम, यू हैव दैट मच फेथ इन हिम, व्हिच इज व्हिच अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो इस वक्त जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान, तो यकीनी तौर पर पीटीआई जो है वो इस वक्त इसको एक मेजर इशू के तौर पे उछाल रही होगी। जी, बट आई थिंक आल्सो पीटीआई इज फोकस्ड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ एंड दे आर इनटू द यू नो द कोर्ट केस इन पनामा केस, बट थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बीइंग ऑन आवर शो, आई नो यू नो यू हैव टू गो एंड अटेंड द मैरिज सेरेमनी, थैंक्स अगेन फॉर बीइंग विद अस, लेट मी गो टू गयास पराचा साहब। जी पराचा साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एलएनजी डील? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि सबसे अहम बात ये कि एलएनजी की वजह से जो गैस क्राइसिस था ना वो खत्म हो गया है और जो सेक्टर्स पहले सड़कों पे आते थे, इंडस्ट्रीज, सीएनजी, फर्टिलाइजर, घरेलू सैरिफिन सर्दियों में निकलते थे, अब आप देखें ये सर्दियां हैं, आपने किसी अखबार में, किसी टीवी में, किसी सेक्टर की कोई आवाज नहीं सुनी, हर एक को गैस मिल रही है। सही। तो इसके दो पॉजिटिव एस्पेक्ट टू दैट, राइट? एक इशू ये है कि वो कहते हैं कि ये डील ठीक नहीं हुई, और एक इशू है, हमारा इशू तो ये है जो हम आम पाकिस्तानी है कि डील सेकेंडरी है, असल चीज है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। एक चीज जो है, मेरा एक बिजनेस है वो बंद था, मेरी एक एक्टिविटी फैक्ट्री बंद थी, मेरा एक प्लांट बंद था, वो चल गया। उसके लिए पहले मैं जाता था गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाता था, वो कभी किसको देते थे गैस, कभी किसी को देते थे, कभी किसी को देते थे, मैं नया घर बनाऊं तो मुझे गैस नहीं मिलती थी, अब मैं जाता हूं, मैं कनेक्शन की रिप्लाई करता हूं, मुझे चीज अवेलेबल हो गई है। अब महंगी और सस्ती फर्क ये है सारा। तो अगर गैस आपके पास नहीं होती और आप डीजल का जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो इस गैस पे भी बहुत महंगी। दिस इज मच मच बेटर ऑप्शन। कैन आई जस्ट इन्वॉल्व वसीम इकबाल आल्सो इन डिस्कशन? बताइएगा सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द डील? मैं पहले तो ये प्राचा साहब ने जो बात की है कि गैस जो ना वो अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी तो है, अभी भी आप अखबार उठा के देख लें कोई भी, अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं
सारी चीजें हो रही हैं, कहीं पे पूरे मुल्क में हो रहे हैं। अभी भी जो है इशू है, एक तो वहाँ पे प्रेशर डाउन है और दूसरा ये है कि काफी जगहों पे अभी भी जो है वो गैस अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये एलएनजी, एक तो पिटीशन फाइल हुई है, उसके अलावा दो तीन चीजें और भी हैं। एक तो ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट पिटीशन फाइल हुई है, आई हैड अ क्विक रीड ऑफ द पिटीशन, उसमें एसेंशियली जो चैलेंज किया गया है वो प्रोसेस को चैलेंज किया गया है, और प्रोसेस यानी कि पीपीआरए रूल्स नहीं फॉलो हुए, एक ही कंपनी को कहा गया, कतर गैस को, औरों को नहीं कहा गया। व्हाई वाज दैट डन? आई मीन देयर वाज दे सीम्ड टू बी फोकस ऑन द प्रोसेस। नाउ अ लॉट ऑफ कोर्ट केसेस आर रिजॉल्वड क्योंकि अगर कोई प्रोसेस वायोलेट हो। बट आपने ये भी बताया था कि आपकी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें आपने कहा था कि एलएनजी डील का कैबिनेट अप्रूवल शायद नहीं था। ये डील हुई है फरवरी 2016 में हुई है और जो मैं 2016 तक कैबिनेट की कोई अप्रूवल नहीं हुई, अभी कोई पता नहीं है कि वाकई हुई है या नहीं। उसके अलावा जो है जब ये नहीं पता कि हुई है कि नहीं, अभी तक ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। ये ऑडिट रिपोर्ट किसने फाइल की? ये 2015-16 की ऑडिट रिपोर्ट है जिसके अंदर इसका जिक्र है कि हमसे कोई शेयर नहीं किया गया इस चीज को। उसके अलावा जो बाबे सुलेरी साहब कह रहे थे कि वो ट्रांसपेरेंसी, और इसके अलावा जो ईसीसी से जो उन्होंने अप्रूवल ली थी कि हम नेगोशिएशन करेंगे, उस टाइम डार थे, उन्होंने सिर्फ कतर की प्राइस जो है वो रखी थी, उसके अलावा जो जी टू जी जो एग्रीमेंट होते हैं दूसरे कंट्रीज के उसका कोई जिक्र नहीं है वहाँ। और वो मांगे गए थे, राइट? वो कौन? वो मांगे गए थे, वो दो दफा वो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने दो मीटिंग्स, एक हुई थी फरवरी में हुई थी, एक दिसंबर 2016 के अंदर हुई थी, 15 में जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि आप जो ना हमें वो प्रोवाइड करें और देखें इसको, उस चीज को जो है एक साइड पे जो वो रखा गया है। और दूसरा ये है कि जो इन्होंने प्राइस जो इन्होंने जो कमेटी बनाई थी, प्राइस कमेटी, उन्होंने प्राइस जो है 13.90 जो है परसेंट ऑफ ब्रेंट जो है वो उन्होंने रिकमेंड की थी। लेकिन जब गवर्नर के साथ दो एग्रीमेंट हुए थे, एक मंथली हुआ था और एक 5 ईयर का हुआ था, जो 5 ईयर था उसके अंदर उन्होंने 13.37 जो है इन्होंने बताया था गैनवर ने, तो उस पे फिर जो है फिर ये दोबारा गए कतर के पास, उन्होंने कहा जी हमने तो ये गैनवर के साथ एग्रीमेंट किया है, तो उन्होंने 13.37 है तो आप 13.9, तो फिर उस नेगोशिएशन के जरिए जो है वो नीचे आई है। लेट मी गो बैक टू पराचा साहब, ये जो वसीम इकबाल साहब ने बड़ा मेरे ख्याल में अच्छा पॉइंट रेज किया है कि इट इज आल्सो एट द प्राइस दैट यू टेक। फॉर एग्जांपल जो 2016 में आपको भी पता है मुझे भी पता है कि ये बायर्स मार्केट थी, जो कि आबे सुलेरी साहब कह रहे थे कि रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो देखें प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो पीपल में से इट वॉज नॉट अ बैड प्राइस, but the point is it was a buyer's market and people were not going for 15 year deal. to kya hum us basis pe keh sakte hain ki ye deal jo thi achhi negotiate nahi ki gayi thi Pakistan mein, because we could have gotten a low price at that time. ek sabse bada hum ye samajhte hain ki 20 saal se gas sector ke sath main involved hu, sabse ahem cheez ye ki hame samajhna chahiye ki is cheez ki zarurat kya hai. jab bhi koi terminal banata hai इंटरनेशनली या जब गैस लाता है तो वो मिनिमम डील जो लॉन्ग टर्म होती है वो 15 इयर्स की होती है। नहीं सर, दैट आई डोंट थिंक इज क्वाइट राइट, बिकॉज़ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट अ लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया दे रीनेगोशिएटेड द प्राइस इन 2000 दे रीनेगोशिएटेड इन 2016 द सेम ईयर दैट वी डिड द डील। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आई विल बी राइट बैक एंड आई विल कम टू यू फॉर अ रिस्पांस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी पराजा साहब बताइएगा कि ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त साइन किया था, वाज दैट अप्रोप्रिएट बिकॉज नो अदर कंट्री वाज डूइंग इट, एंड एज आई सेड इंडिया रीनेगोशिएटेड अ लॉट ऑफ द थिंग्स। सेकेंडली आई वुड लाइक टू आस्क यू इज यू आर ऑब्वियसली इन द प्राइवेट सेक्टर, क्या प्राइवेट सेक्टर एट वन पॉइंट हैड यू नॉट इंडिकेटेड एन इंटरेस्ट in making your own deal to purchase LNG?
देखिए दो बातें आपने पूछी हैं। सबसे पहली बात ये कि इंडिया ने रीनेगोशिएट किया है, लेकिन जो शुरू की डील है उनकी भी 20 इयर्स की थी। But that was not in 2016, sir. You see, that is what I'm trying to say. Their deal was much earlier when it was the seller's market. 2016 में buyer's market थी, and that's when they renegotiated. And we signed the deal in 2016. जी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास राइट है, अगर ये करना चाहें कर सकते हैं, जब भी करना चाहें। लेकिन इनिशियली जब भी कोई डील होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती, एक इशू ये। दूसरी प्राइस जो है ये गंवर के साथ 5 साल की हुई थी हमारी, वो भी और 2016 में हुई थी, 5 ईयर के लिए थी, 5 ईयर की थी। सो दैट्स नॉट ट्रू, बट एनीवे गो अहेड जी। और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो है उसको तो अभी तक परमिशन नहीं मिली। बट डिड यू आस्क फॉर इट, द प्राइवेट सेक्टर रिक्वेस्टेड एंड वाज डिनाइड और व्हाट? बस काफी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि गैस यूटिलिटीज कंपनी जो हैं वो पाकिस्तान में दो ही हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के आने का मतलब है कि मुख्तलिफ बिजनेस में मोनोपोली का खत्म होना, तो वो मोनोपोली आसानी से कोई भी खत्म गवर्नमेंट के इदारे जो है अपनी नहीं करने देते। और अभी गवर्नमेंट ने अपने इदारे भी बना लिए हैं जो दैट्स वेरी वेल पुट सर। खवातीन हज़रात, ये एलएनजी डील जो है ये थोड़ी बहुत सस्पेक्ट है। आबिद सुलेरी साहब ने कहा है कि पीटीआई ने चूंकि ये नहीं गए हैं कोर्ट में, एंड ही साइटेड असद उमर एज समबडी हु थिंक्स दैट द डील इज ओके, तो उस बेसिस पे वी विल ट्राई टू गेट असद उमर इन वन ऑफ आर लेटर शोज। बट जो हमने डील की है या जो हमने देखा है, और हमारे भी वसीम इकबाल एक्सपर्ट हैं, जो गौस पराचा साहब हैं वो भी एक्सपर्ट हैं, आबिद सुलेरी साहब भी एक्सपर्ट हैं। द पॉइंट इज दैट ऑल ऑफ दीज पीपल आर सेइंग कि 2016 में, मेरे लिहाज से भी 2016 में, इट वाज अ बायर्स मार्केट, इट वाज नॉट अ सेलर्स मार्केट। और उस मार्केट में हमें जब जो रेट मिला है 13.37%, वो रेट कॉम्परेबल नहीं है जो इंडिया ने अपना रिड्यूस करवा लिया था। दूसरी बात यह है कि जो ब्लॉकेजेस करनी और वो पीएसओ की वेबसाइट पर करना, वो भी इनअप्रोप्रिएट है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन। अगर ये डील जो है खुदा ना खास्ता चैलेंज हो जाती है, और इफेक्टिवली चैलेंज हो जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर हम ये, इसके साथ मुझे डर है कि ये वही ना हो जो जो बलूचिस्तान के जो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो अभी तक दे आर अंडरग्राउंड एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लॉइट दम, और दे आर ऑब्वियसली मिलियंस इफ नॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये चीज जो होती है, इस किस्म की जो डील होती है, वन कैन ओनली रिकमेंड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, द करंट वन एंड द वन दैट मे कम नेक्स्ट, कि आपको मोर एक तो फॉलो करना चाहिए प्रोसेस, और दूसरी बात यह है कि आपको जो अपोजिशन मेन पार्टीज हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और मीडिया और स्टेक होल्डर्स को लेना चाहिए, ताकि ये जो सारे जो जो इश्यूज आगे रेज होते हैं या क्वेश्चंस या सवालात रेज होते हैं वो ना हो सकें, एंड इट इज स्मूथ सेलिंग फॉर द कंट्री एज वेल। इसी के साथ इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।